everyone, I'm Dr. Manveer Kaur from Brain Spine and Joint Clinic. आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में. हमने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के पेजेस पे हमने ग्रुप ऑफ सीरीज स्टार्ट किया वीडियोस पे. जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हो. जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो थोरेसिक स्पाइन के बारे में, जो आप देख सकते हैं, जो ये मार्किंग की हुई है, ये थोरेसिक स्पाइन है, थोरेसिक वर्टिब्राज हैं. T1 टू T12 होते हैं जो थोरेसिक वर्टिब्राज. थोरेसिक स्पाइन एक ऐसी स्पाइन है जो ऊपर और नीचे दोनों साइड कनेक्टेड है. ऊपर ये नेक की वर्टिब्राज के कनेक्टेड है, नीचे ये लंबा के, और इसका कनेक्शन शोल्डर के साथ भी है. अगर देखा जाए, अगर थोरेसिक स्पाइन काम नहीं कर रही है तो अगर हम जनरल मूवमेंट देखें, जो हम ओवरहेड मूवमेंट करते हैं, ये कभी भी कंप्लीट नहीं आएगी, ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगी कहीं ना कहीं पे. तो इसका रिलेशन सिर्फ जो थोरेसिक स्पाइन है वो ही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्रा का, जो आगे जाके रिबकेज से कनेक्टेड है. जो हमारे रिबकेज है, आपको पता है उसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं और डायफ्रेम होता है जो मेजर मसल है ब्रीदिंग का. तो उसकी वजह से अगर थोरेसिक में कोई भी दिक्कत है, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जैसे हमारी जो लंग्स है उसकी कैपेसिटीज डाउन हो सकती हैं, जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है वो अलग हो सकता है. जैसे कि हमारी डायफ्रामेटिक मेन ब्रीदिंग है जो डायफ्राम से करते हैं, अगर डायफ्राम काम नहीं कर रहा थोरेसिक की वजह से, तो क्या है, हमारे जो लेटरल कोस्टल मसल्स हैं हम उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे और उससे हम अपनी ब्रीदिंग करेंगे, जिससे हमारी कैपेसिटीज़ कम हो जाएंगी, हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी लगेगी या कोई भी और दिक्कत आ सकती है. हम एक चीज़ और नोट करने वाली है, जो थोरेसिक स्पाइन है अगर उसमें कोई भी दिक्कत है तो ऊपर और नीचे दोनों साइड इफेक्टेड होंगी. हमारी नेक की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, हमारी लोअर बैक भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. और देखा जाए, हम बेसिकली हम अब चेयर पे बैठते हैं, ये सारे कॉमन है, हम स्लाउच पोस्चर में बैठते हैं, जिसकी वजह से काइफोसिस डेवलप हो जाता है. जैसे कि ये पोस्चर है हमारी, जो ये कर्व है, ये ऑलरेडी इसमें काइफोसिस होता है जो नॉर्मल है, लेकिन उसका जो है हमारी डिग्री है, एंगल है, वो चेंज हो जाता है. या फिर हम अगर चेयर पे बैठे हैं, हमने सही से नहीं बैठ रहे, तो इसमें क्या है, साइडवर्ड टिल्ट आ जाता है, जिसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं. ये चीज़ भी कॉमन है, ये पोस्चर भी हो सकता है. क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं कि जब हम लैपटॉप चला रहे हैं, हमारा पोस्चर तब भी सही नहीं होता. अगर हम होमवर्क कर रहे हैं, हमारा तब भी पोस्चर सही नहीं होता. या हम किचन में भी काम कर रहे हैं, तो जो सर्फेसिस होती हैं उनकी वजह से हमारा जो पोस्चर है वो ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है, थोरेसिक की मोबिलिटी कम हो सकती है और उसकी वजह से और सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं. देखा जाए, जैसे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, अगर हम अपना खुद का प्रोफेशन ले लें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक्सरसाइज करें जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो. जो ये अगर हमारी स्पाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो हमारी पूरी बॉडी ही काम नहीं कर रही है, क्योंकि स्पाइन ही एक ऐसा है जो हमारी अपर एंड लोअर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है. तो जो हमने अभी वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की, उसमें हम आपको सिर्फ जनरल एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हो और जो आपको आगे जाके बेनिफिशियल होंगी. जैसे हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमने यही चीज़ लेके चलनी है कि अगर हम अभी से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, मोबिलिटी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो हमें आगे जो चीज़ें, हमें आगे जो वेरिएशंस हैं हमारी स्पाइन में, वो नहीं होंगी और हमें बहुत सारी उसमें बचाव कर सकते हैं हम अपनी स्पाइन का. तो अब हम देखते हैं कि जो हमने आगे जो थोरेसिक की वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैं मोस्टली कैटन कैमल रखी है, रोटेशन एक्सरसाइजेस रखी हैं, वो कैसे करते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है उसके अलावा कि मतलब हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं या कैसे करनी है, या आपको स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज चाहिए, हम आपके लिए वो बनाएंगे और पेज पे डाल देंगे. आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या आप हमें DM भी कर सकते हो, या नीचे क्लिनिक का नंबर मेंशन है, आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हो. और आपने जो भी एक्सरसाइज है वो किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से पूछे बिना नहीं करनी है खुद. ओके, थैंक यू. हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाले हैं थोरेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस की. थोरेसिक स्पाइन हमारी मिड स्पाइन होती है, जो मोस्टली मोबिलिटी के लिए यूज होती है. सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम आपको करवाने वाले हैं, दैट इज कैटन कैमल. इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वाड्रीपॉड पोजीशन में आएंगे, जिसे हम ऑल फोर पोजीशन या क्रॉल करने वाली पोजीशन या घोड़े वाली पोजीशन बोलते हैं. सबसे पहले हमने क्या करना है, स्पाइन की एक्सटेंशन लेके आनी है, जो हम करेंगे चेस्ट, अपने हेड को चेस्ट की तरफ मूव करने के बाद. इसमें हमारे पास कैमल का हम्प आएगा. इस पोजीशन में आप 2 to 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हो. उसके बाद हमने अपनी नेक को छत की तरफ लेके जाना है, जिसमें हमें अपनी कैट वाली पोजीशन मिलेगी, स्पाइनल की स्पाइन की एक्सटेंशन मिलेगी. इसमें भी हमने 5 सेकेंड का होल्ड रखना. ये हम एटलीस्ट 30 repetitions कर सकते हैं इसकी, बट हम स्टार्ट करेंगे फॉर 10 repetitions, दिन में 3 बारी.
उसके बाद धीरे धीरे हम इसकी इसको एक्सटेंड करते रहेंगे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं थोरेसिक रोटेशन वाली। ये हम सेम पोजीशन में करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, अपने एक हाथ को नेक के पीछे लेके जाना है, फिर उसके बाद हमने अपनी एल्बो को दूसरी एल्बो के साथ टच करना है, देन अपने छत की तरफ लेके जानी है आर्म को। इसमें हमारी नेक रोटेशन भी ऐड होगी थोड़ी सी, बट हमने हमने हमारा मेन फोकस होता है थोरेसिक पे। हमने एक साइड पे हम 10 रेपिटेशन से स्टार्ट करेंगे, देन हम ऑपोजिट साइड सेम चीज करेंगे 10 रेपिटेशन। ये हम जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया 30 रेपिटेशन तो हम लेके जा सकते हैं, लेकिन आप स्टार्ट 10 रेपिटेशन से ही करोगे दिन में 3 बार। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं जो हमने करनी है नील सिटिंग पोजिशन में। अब नील सिटिंग में आ जाओ। हम इसको हम वज्रासन भी बोलते हैं इस पोजीशन को। तो इस पोजीशन में हमने आ जाना है, उसके बाद हमने अपने हाथों को आगे रखना है, और जो हमने क्वाड्रीपोड पोजीशन में कैट एंड कैमल की थी वो इसी पोजीशन में करेंगे। सेम चीज है, बट इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपका पेल्विस लिफ्ट नहीं होना चाहिए। आप नील सीटिंग में ही रहोगे, सिर्फ थोरेसिक की मोबिलिटी एक्सरसाइज ऐड होगी, दैट इज कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। इसी पोजीशन में हम जो हमने थोरेसिक रोटेशन एक्सरसाइज की थी हम वो भी कर सकते हैं। सेम चीज करनी है, बस पोजीशन चेंज होगी। हमने वो क्वाड्रीपोड में की थी, ये हमने नील सीटिंग में कर रहे हैं। आप नील सिटिंग में ही रहेंगे, आप नील सिटिंग पोजीशन में आ जाओ। नील सिटिंग पोजीशन में आने के बाद आप कोई एक बॉलस्टर रोलस्टर या कोई भी आप पिल्लो ले लो जो राउंड शेप का हो, उसे अपने आगे रख लेना है और उस पर आपने अपने हाथ रखने हैं। देन उसको आपने रोल करते हुए आगे लेके जाना है जितना आप जा सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका पेल्विस लिफ्ट नहीं होना चाहिए। आप नील सिटिंग में ही रहोगे, इसमें आपने 5 to 10 सेकेंड का होल्ड रखना है, देन वापस आ जाना। आप इसमें एक चीज कर सकते हो, जैसे आपके पास रोलस्टर या बोलस्टर नहीं है, आप स्टार्टिंग के लिए आप एक पिल्लो ले लोगे या फिर एक टॉवल ले लोगे, उसको रोल करके आपने आगे लेके जाना है, ताकि आप जितना आगे जा सकते हो आपने उतना जाना है। आपने अपने आप को फोर्स नहीं करना है कि मैंने आगे तक ही जाना है। धीरे धीरे आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी और आपकी रेंज भी बढ़ेगी। आपने इसके भी यही चीज करनी है, आप इसकी स्टार्टिंग करोगे 5 रेपिटेशन के साथ और 10 सेकेंड का होल्ड, जिसे आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे। आप 20 रेपिटेशन तक लेके जा सकते हो, और इसके जो होल्डिंग है वो आप 30 सेकेंड तक रखोगे, जब तक आप इसके मास्टर लेवल में पहुंच जाओगे या एक्सट्रीम लेवल में आप पहुंच जाओगे। अब जो हमने एक्सरसाइज हमने बोलस्टर के साथ की थी वो हम पिल्लो के साथ करके दिखाएंगे। आपने सेम चीज है, अपने पिल्लो के ऊपर हाथ रखने हैं, आपने उसको रोल करते रहना है जब आगे जाना है, जब तक आपकी स्पाइन है जो एक्सटेंशन में नहीं चली जाती। इसमें भी आपने वही चीज का मेन ध्यान है कि आपने पेल्विस को लिफ्ट नहीं करना है। 5 सेकेंड का होल्ड रखेंगे, देन वापस आएंगे वैसे ही। और इसमें आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपने अपने एल्बोस को बेंड नहीं करना है बिल्कुल भी। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो थोरेसिक रोटेशन एक्सरसाइज ही है, लेकिन हम वो करेंगे साइड लाइन पोजिशन में। अपने साइड लाइन पोजीशन में आ जाना है, और साथ में आप एक पिल्लो रख सकते हो और कोई भी वुडन ब्लॉक रख सकते हो। आपने क्या करना है, जो आपकी नीचे वाली लेग होगी उसको आपने बिल्कुल एक्सटेंशन में रखना है, और जो ऊपर वाली लेग होगी उसको फ्लेक्स करने के मतलब 90-90 पोजीशन में रखने के बाद उसके नीचे आप एक पिल्लो प्लेसमेंट कर लोगे, ताकि वो आपके पेल्विस के लेवल में रहे। देन आपने क्या करना है, आपकी दोनों आर्म सीधी रहेंगी, आर्म को आपने अब टर्न करना है ऑपोजिट साइड को। इसमें आपकी नेक रोटेशन भी ऐड होगी, बट आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि आपकी लेग ऊपर वाली नहीं उठेगी, जो 90-90 पोजीशन में है वो कांटेक्ट में रहेगी। आप जितना रोटेट कर सकते हो आप रोटेट करो उतना, बट मेक श्योर कि वो नहीं उठनी चाहिए। इसकी भी आपने जैसे आपने पुरानी एक्सरसाइजेस की 10 रेपिटेशन से स्टार्ट की है, आप 10 रेपिटेशन से स्टार्ट करोगे और जाते जाते आप 30 रेपिटेशन तक लेके जा सकते हो इसको, बट मेक श्योर अपने आपको फटीक नहीं करना है और बिल्कुल रिलैक्स होगा। हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज करेंगे जो हमने नील सिटिंग से स्टार्ट करनी है। नील सिटिंग में बैठने के बाद आपने हाफ नीलिंग में जाना है, अपने एक लेग को आगे लेके जाके आपने उसको 90-90 पोजीशन में रखना है, और आपने आर्म्स को अपने दीवार के साथ टच करना है। अब आपने क्या करना है, अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के साथ टच करने के बाद पूरा रोटेट करने के पीछे जाना है। अपने इसमें चीज ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो ऑपोजिट एल्बो होगी जो दीवार के साथ टच में है, उसका उसकी एल्बो बेंड नहीं होगी, ना ही इस वाले की होगी जो रोटेट कर रहे हैं जिसको,
और ना ही दूसरी होगी जो सपोर्ट में, ये अपने 10 to 20 रेपिटेशन या 30 रेपिटेशन तक जा सकते हो, 10 से स्टार्टिंग करनी है। अपने ये ध्यान रखना है कि आपकी 90-90 पोजीशन मेंटेन रहेगी और आप जितना जा सकते हो आपने उतना ही जाना है, अपने आपको फोर्स नहीं करना है। धीरे धीरे आपकी ये रोटेशन एक्सरसाइज है जो उसकी रेंज इंक्रीज होगी और आप ये फुल रोटेशन में लेके जा सकते हो। और आपने जो भी मैंने आज एक्सरसाइज आपको बताई है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी थोरेसिक में पहले ही कोई प्रॉब्लम है, कोई बैक पेन है, आपने ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी है। ये जनरल स्ट्रेचेज हैं जो मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं, जो हमारी स्पाइन की मोबिलिटी को मेंटेन रखती है, ये वो एक्सरसाइजेज हैं। ये हम जनरली अपने अपने जो पेशेंट्स हैं उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने पहले फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बात करें, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज करें।